जो लोग जॉब्स कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत रोल है इस यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से अगर जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ एडमिशन ना लो क्योंकि आपकी जॉब इफेक्ट होगी। क्यों? अटेंडेंस का भी अक्सर लिंक होता है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो मेरी ड्रेसिंग वगैरह में बहुत चेंजिंग आई है, बहुत मतलब मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया। उसके अलावा स्किन की देखो भाई, डिफरेंट लोगों का क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली लोग इवेंट्स के बड़े शौकीन होते हैं, तो लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स किस तरह होते हैं। धोनी खेल सकते हैं। हाँ। अच्छा, कोई ताश वगैरह नहीं इस तरह कोई गेम? खवातीनों हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। ये वीडियो है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के बारे में, जिसमें हमने उसके बारे में ए टू जी सारी बातें की हैं, कैंपस का टूर किया, स्टूडेंट्स के साथ बातें की, यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। और इस वीडियो का एक पिछला पार्ट भी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आप देख लेना, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और आप आगे वीडियो देखें, एंजॉय करें, कॉमेंट में हमें बताएं कैसी है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई और इन सब का ये ब्लॉग है, ठीक है, इसका नाम है सी ब्लॉग। दिखने में बहुत ही प्यारा, और सावेज कह रहे हैं कि इसके अंदर जाके एयरपोर्ट वाली फील आती है, इतना अच्छा है। इंटर हो ना तो ऐसे लगता है जैसे इमिग्रेशन वाले उसमें आ गए। ओह माय गॉड, चलो चलो लेट्स गो। देखो ये है यहाँ का, अंदर से एयरपोर्ट वाली वाइब तो आ रही है, और यहाँ लिफ्ट भी लगी है। लेकिन सावेज, दुख वाली बात क्या है, ये लिफ्ट हम नहीं यूज कर सकते। पहले हम यूज कर सकते थे, अब सिर्फ फैकल्टी के लिए, फैकल्टी कार्ड स्कैन करके, और हमें सीढ़ियों से पांचवें फ्लोर तक। देखो ना, ये बंदा ना जो ही वीडियो आती है क्लासेस पहन लेते हैं। भाई क्या बात है, गेम्स है। ओए हो, बंदा यो भाई, ये यहाँ से नीचे का व्यू है, ठीक है। ओए भाई, पांच फ्लोर चढ़ने के बाद मेरी हालत टाइट हो गई है। वीडियो के लिए आए थे, लिफ्ट से नीचे जाऊंगा। देखो ये एक और हम ब्लॉग में एंटर हो रहे हैं, जो कि दिखने में सावेज ने कहा कि बहुत ही फारिग है। सावेज जी, कौन सा ब्लॉग है ये? फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अप्लाइड साइंसेज, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि जो जितना पुराना होता है ना, उतने लेजेंड्स वहीं से निकले होते हैं। क्या बात है सर, तो बहुत सारे लेजेंड हैं मैकेनिकल, जैसे कि हमारे सावेज और हम दोनों यहीं पढ़ते हैं, हमारी यहीं क्लासेस होती है, हम भी लेजेंड हैं। क्या बात है, देख लो। बाय द वे, इस ब्लॉग में मौजूद थे, ये था इंजीनियरिंग का ब्लॉग। और इसकी खास बात आता हूं, बेसिकली अगर यहाँ पे क्लास में 35 लौंडे हैं ना, तो सिर्फ बेचारी एक लड़की होती, तो ये बड़ा यहाँ पे होता है, मुश्किल हो जाता है मस्तूरात के लिए। क्यों? रियलिटी इफेक्ट है, हमें पता है, ठीक है। हम तो बिजनेस वाले हैं, हमें तो इन चीजों की परवाह नहीं। सावेज, हमें क्या दिखा रहे हैं आप? सबसे पहले एक अच्छी पहले क्या, बहुत सारी अच्छी चीजें। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में पार्किंग रखी गई है बाइक्स। हाँ। के लिए आपके बाइक्स बिल्कुल सेफ रहते हैं, खुले छोड़ के चले जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये जाके पीछे बाइक को हाथ लगाना जरा, इसको देखो। देखो, इसने झूठ बोला था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने अप्लाइड फॉर लिया है। क्या बात है, जो भाई ये एक और ब्लॉक है, इसका क्या नाम है सर्विस? इसका ब्लॉक है बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक है, और आपको पता है कि इसने क्या बोला मेरे साथ? इसने कहा कि इसका कोई फ्रंट है ही नहीं। मैंने कहा फ्रंट से दिखाएंगे, ये कहता है इसका कोई फ्रंट नहीं है। ये क्यों यार, इसका फ्रंट नहीं है। कुछ तो फ्रेंड होगा। खैर शामिर भाई, आप कम बोल रहे, क्या कोई दुख ले यार? मैं थोड़ा सा बीमार हूँ यार। क्या हुआ? अच्छा शामिर भाई, आप में एक बात है, सावेज ने बताया कि आपका बैकग्राउंड एयरफोर्स से है, तो जिन लोगों का बैकग्राउंड एयरफोर्स से है, उनके लिए यहाँ एयर यूनिवर्सिटी में क्या मरा थे? सब बता दूं? बता दे। हाँ। देखे, असल में इनकी फीस जैसे ये सावेज है। नहीं करते सावेज। इनकी फीस 80,000 है तेरी, तू सिविलियन है ना? और मेरी उसी तरह रिलेटिवली 68 है, तो मुझे इतना। देखो भाई, डिफरेंट लोगों का क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली लोग इवेंट्स के बड़े शौकीन होते हैं, तो लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स किस तरह होते हैं, तो ये हमें सावेज बताएगा। सावेज, के बारे में बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 190 इवेंट्स 2022 में करवाए हैं, जो कि 35 एक्टिव सोसाइटीज की तरफ से हुए। 35 सोसाइटीज हैं? नहीं सॉरी, 15 सोसाइटीज और 3500 एक्टिव मेंबरशिप। उसमें 3500 एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कि जब आप फ्री होते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें भी आप उसमें मुख्तलिफ है, फाइनेंस है, अच्छा उसके अलावा ग्राफिक्स है, वीडियो एडिटर, नहीं एक ही सोसाइटीज में ये सब रोल। अच्छा, सारे रोल होते हैं, फोटोग्राफर, सोसाइटी का अपना होता है, सोसाइटी का अपना होता है, उसका फिर डिप्टी एड होता है, एड होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई डिप्टी एड भी है। क्या बात है, क्या बात है, लोंडा हमारा गेम बना रहे हैं। तो इसके सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपके रेफरेंस बहुत अच्छे बनते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप मार्केट की पूरी आपको नो हाउ भी हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। फिर आपको जब आप आगे अगली लाइफ में जाते हो, इसके बाद फ्री होने के बाद, तो आपके पास
स्किल होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक का सफर बता रहे हैं शाविस के, आपको कैसे हो? बिल्कुल, ये अच्छे लफ्जों में एक्सप्लेन किया। और वेलकम पार्टीज वगैरह होती हैं, मतलब बोर नहीं होता यहाँ पे कोई, मतलब यार चिल सीन है। तो मतलब कि रैंकिंग में इसको हम बहुत अच्छे मार्क्स देंगे अपनी तरफ से। अभी ही मैंने सिर्फ कहा था कि मुझे बहुत पसंद आई है, सीरियसली मुझे यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई है। भाई देखो बात ये कि जो एक यहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो हम आपको बताना भूल गए। तो बेसिकली ये है एयू अरीना। वो क्या सीन है अरीना में, देखें जो जो इवेंट्स होते हैं, आउटडोर इवेंट्स, अब बार इवेंट तो ऑडिटोरियम में नहीं किया जा सकता ना, तो उसके लिए ये जगह बनाई गई है। तो इस जगह पे ओपन एयर थिएटर है, सिंगिंग का कोई कॉम्पिटिशन होना, आर्ट एंड क्राफ्ट का, हर चीज का यहाँ पे कॉम्पिटिशन। नाइस, ये रोस्टम लगा हुआ है मतलब, और यहाँ पे लोग कुछ भी करना हो तो, और आपने परमिशन लेनी है। बिल्कुल, और ये सामने डिटेल LCD पे लगी होती है हर टाइम के आगे क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। तो ये कुछ इवेंट्स की डिटेल है जो यहाँ आने वाले हैं, जिनसे हमारा क्या लेना देना, आपका लेना देना होगा। आप तो जा रहे हैं। तो भाई एयर यूनिवर्सिटी हमें बहुत पसंद आई है, लेकिन अच्छी जगह के साथ साथ बुरी चीजें भी होती हैं। तो वो बुरी चीज क्या है साविज, यहाँ पे आप कोई लूडो नहीं खेल सकते। हाँ। अच्छा, कोई ताश वगैरह नहीं, इस तरह की कोई गेम जिन पे मतलब जुए की वजह से फेमस है, तो वो वाले गेम तो आप भूल जाओ ना यहाँ पे। यार ये तो गलत बात है, मतलब जुआ तो वो तो फुटबॉल से जुआ खेल सकते हैं लोग। हमारे डीन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप खेल लिया करो, कोई सीन नहीं है। मतलब हमारी जो फैकल्टी है ना बहुत अच्छी है, ये तो या तो मार्क्स के लिए बंदा तारीफें कर रहा है। हर दफा टीचर चेंज होते हैं, मार्क्स भी, टीचर बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। मतलब यार ये बंदा बहुत सेटिस्फाइड है यूनिवर्सिटी से, तो इट मींस कि अच्छी है तो सेटिस्फाइड है। क्या बात है। बॉयज हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी विजिट करने, लेकिन जब तक लाइब्रेरी तक पहुंचते 10,000 रुपए की बात की है सावेज ने, तो सावेज रिपीट फरमाओ। माहौल यूनिवर्सिटी में आपको खुद बना, बिल्कुल कि बहुत लोग शिकवा करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी का माहौल सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रह के ना जैसा माहौल बनाना चाहो आप वैसा ही बना लेते हो। आप बहुत अच्छा भी बना सकते हो, बहुत बुरा भी बना सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। आपकी कम्युनिटी भी होता है आपके अपने ऊपर होता है। बिल्कुल। इसके ऊपर आपके क्या विचार है, मजीद कुछ कहना चाहते हैं? यही है ना कि माहौल आपने खुद बनाना है। बिल्कुल, आप खुद इंट्रोवर्ट होगे, किसी के साथ बात नहीं करोगे, फिर आप जाके बाहर जाके लोगों से कहोगे हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो ये अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी को डिफेम कर रहे हो, जो चीज आपको यूनिवर्सिटी दे सकती है वो तो आपको फैकल्टी देगी, अच्छे टीचर देगी, अच्छी बिल्डिंग देगी, बाकी वो जो आप लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है कि ग्रूमिंग होनी है नहीं होनी। तो खैर हम लाइब्रेरी के बाहर पहुंच चुके हैं, तो लेट्स गो इनसाइड। चलो भाई, ये रही लाइब्रेरी फ्रॉम इनसाइड, और बहुत ही प्यारी बनी है, देख लो लाइब्रेरी। यहाँ ज्यादा बात तो नहीं करेंगे हम, बट बहुत ही अच्छी बनी है। बाहर जाके दिखाता हूँ क्या क्या सीन है भाई। एक फ्लोर, दो फ्लोर नीचे पे, तीसरा फ्लोर ऊपर भी है भाई। बाहर जाके आपको सारी डिटेल बताते हैं। भाई हमने लाइब्रेरी विजिट किया, वहाँ हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑनेस्टली बताऊंगा एट दी एंड यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी तो बहुत ही कमाल की थी। ठीक है, हर तरह की फैसिलिटी थी, बट एज यूनिवर्सिटी को मैं 10 out of 10 नंबर दूंगा। हाय हाय, वैसे आज तक मैंने किसी को भी 10 out of 10 नहीं दिए थे, आई गेस फास्ट को दिए थे। इस्लामाबाद में जो भी मैंने यूनिवर्सिटी विजिट की है ना यूनिवर्सिटीज, उनमें नंबर 1 पे फास्ट और एयर आती है भाई। 10 out of 10 हो गया दोनों का। थैंक यू सो मच आपकी रेटिंग का। और बाय द वे थैंक यू टू शामीर और सावेज, आप लोगों ने विजिट करवाया। ऑलवेज वेलकम, जब आप आए आपने इंशाल्लाह। बस डेली आऊं फिर मैं, डेली आऊं फिर, डेली आ जाए कोई मसला नहीं। एंट्री का सीन तो आपको पता लग गया कैसे होती है। हां, एंट्री का ये सीन है कि सब बता देंगे तो फिर आप लोग भी आना शुरू करेंगे। इतना आसान तो नहीं होता। लाइब्रेरी का आप बता दें जो आपने देखी है वो। लाइब्रेरी तो जबरदस्त एक नंबर की थी, बाकी एंट्री का ये सीन है कि आप कोई जानने वाला है तो आपको जुगाड़ से एंटर करवा देगा। तो वैसे रैंडम बंदे को अलाउ नहीं करते अगर कोई विजिट के लिए आना चाहते हो। आई थिंक सो, आईडी कार्ड सबमिट करवा के अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से काम है या एडमिशन का पता करना है तब हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो बस यही है, और सब जिन जो जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं लें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हम तो फुल सेटिस्फाइड हैं। अब अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसकी अपनी। बिल्कुल, देखो ये आपके ऊपर होता है कि आप किसी जगह से कितना बेनिफिट उठाते हो, आप अपना माहौल कैसा बनाते हो। अपनी माहौल से लोग ना नेगेटिव चीज़ को वो उठा लेते। माहौल ये नहीं होता कि मसूरात और ऑल दैट, माहौल एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है कि आप इन्वायरमेंट बेसिकली, अगर उर्दू में बोले तो क्यों जी, तो लोग इसको हमेशा नेगेटिवली ले जाते हैं। तो आप मैनेजमेंट में आपको अंग्रेज बना के भेजते हैं, फुल कम्युनिकेशन स्किल्स। Yes, तो सीनियर से यही सुनना, अब आगे देखो हम भी 8वें सेमेस्टर में जाते हैं। वैसे ये बताओ, जो लोग पहले दिन आए थे और आज में अपने आप पर्सनैलिटी में कोई फर्क नजर आ रहे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरी ड्रेसिंग वगैरह में बहुत चेंजिंग आई है। बहुत मतलब मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया। उसके अलावा स्किन की खेल और
ये कि क्लास की टाइमिंग का ये होता है, ऐसी टाइमिंग रखी हुई है उससे हम पंक्चुअल बहुत ज्यादा हो गए हाँ। लेकिन क्लास की टाइमिंग का एक और बेनिफिट है कि आप लैपटॉप ले यहाँ बैठ के काम करते रहो, मोस्टली हम ऑनलाइन काम कर रही होती है, बट जो लोग जॉब्स कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत रोल है इस यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से अगर जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ एडमिशन ना लो क्योंकि आपकी जॉब इफेक्ट होगी। क्यों अटेंडेंस का भी अक्सर लुंक होता है 75 पूरे सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट की 7 छुट्टियां ना हो अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर आपको पेपर 75 से 1% भी कम होगी ना आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे जो मर्जी कर लो आप लोग, तो अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ती है। इसी चीज ने हमें बहुत ज्यादा पंक्चुअल किया है, 1 साल हो गया हमें। नाइस यार, थैंक यू सो मच गाइस। और ये थी एआई यूनिवर्सिटी, अगर आपने ऐसी और यूनिवर्सिटीज की वीडियो देखनी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर इस वीडियो का आपने पिछला पार्ट देखना है तो आप देख सकते हैं, और अगली वीडियो में हम फजाइया मेडिकल कॉलेज भी आपको घुमाएंगे। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।